और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत निरसा भाजपा के बैनर तले भाजपा नेता मनु तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि निरसा के तेतुलिया स्थित अंकुर बायोकेमिकल के द्वारा खुदिया नदी में की जा रही अवैध खनन और नदी में बहाया जा रहा जहरीली केमिकल और धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना में ली गई अवैध व्यवसायिक कनेक्शन के खिलाफ हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा, जब तक पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर दोषी प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करता है, तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। शराब कारखाना है, हमको लगता है कि इनको किस चीज का अहंकार है पता नहीं। अंचल अधिकारी महोदय को हम लोगों ने लगातार लिखित देने का काम किया, जिला से लेकर हमने महामहिम राज्यपाल महोदय तक को लिख के देने का काम किया, परंतु इनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। और तो और ये लगातार खुदाई जारी रखे हैं, केमिकल बहाने के लिए नदी का नाला बना चुके हैं। हमारी तीन सूत्री मांग है, नदी में खुदाई को बंद करें, केमिकल बहाना बंद करें, धनबाद मैथन जलापूर्ति योजना में जो अवैध कनेक्शन इन्होंने पूर्व से ले रखा है उसको अविलंब काटा जाए और उनपे आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। तो वहीं झारखंड के चतरा में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर कंट्रोल को लेकर एसपी राकेश रंजन सख्त नजर आ रहे हैं। एसपी ने जिले में सक्रिय हर छोटे बड़े अपराधियों और गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त लोगों की निगरानी करते हुए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के आदेश सभी थाना प्रभारियों को दिया है और इसके तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान तेज करने के आदेश भी मिले हैं। एसपी के निर्देश के बाद संबंधित डीएसपी और एसडीपीओ के नेतृत्व में एक साथ सभी थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान में शामिल अधिकारी और जवान वाहनों की सघन चेकिंग के साथ हर एक संदिग्धों की तलाशी ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग कर रहे हैं, यह पूरे जिले में चल रहा है और जगह बदल बदल के कर रहा है ताकि अपराध और अपराध कर्मी पर पूर्णतः लगाम लगा सकें। एंटी क्राइम चेकिंग के तहत हम लोग और भी सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं, जैसे हेलमेट वगैरह और यात्री सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट वगैरह लगाने का भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और इस तरह के सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उन पर हम लोग कड़ी लगाम लगाने का काम कर रहे हैं और यह एंटी क्राइम चेकिंग अभियान आगे। तो वहीं झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सेविका सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले भर की सेविका सहायिकाएं शामिल हुई। धरना प्रदर्शन के बाद सेविका सहायिकाओं का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से भी मिला और अपना मांग पत्र सौंपा। सेविका सहायिकाओं की मुख्य मांगों में राज्य सरकार द्वारा नियमावली तैयार कर उन्हें तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में बहाल करना, जब तक सरकारी नौकरी उन्हें नहीं दे दी जाती है तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 15,000 मानदेय देने, सेना निवृत्ति के बाद एक मुश्त 5,00,000 रुपए और पेंशन देने के साथ ही सेविका सहायिकाओं की मृत्यु होने पर उनकी बहू को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग शामिल है। आंदोलित संघ ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों का मांग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का नियमावली बनाया जाए, सेविका सहायिका को सरकारी नौकरी में क्रमशः तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय घोषित किया जाए। दूसरा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जब तक सरकारी कर्मचारी में बहाली नहीं किया जाता है तब तक सेविका को 25,000 रुपया तथा सहायिका को 15,000 रुपया बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए भुगतान सुनिश्चित करने का कोशिश किया जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सेवानिवृत्त लाभ का एक मुश्त 5,00,000 रुपये एवं पेंशन लागू किया जाए। वहीं झारखंड के धनबाद में पुलिस ने अमन सिंह गैंग के धमकी और रंगदारी से परेशान व्यापारी के मामले में कार्रवाई कर अमन गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और अमन गैंग से मुक्त धनबाद जिला बनाने का संकल्प लिया। इस संबंध में एसएसपी संजीव कुमार ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी, जिसमें एसएसपी ने बताया कि अमन सिंह गिरोह का नेटवर्क ध्वस्त होने के बाद बिहार के कुछ जेल से हाल फिलहाल में छूटे अपराधी कतुरास इलाके में अपना बसेरा बनाए थे, जहां नए ढंग से गैंग स्थापित कर रंगदारी वसूली और धमकी भरे कॉल की घटना को अंजाम देना था। जिला पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी ने ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन के नेतृत्व में एएसपी मनोज स्वर्गियार और
बाघमारा SDPO निशा मुर्मू के साथ छापेमारी की गई, जहां 5 अपराधियों को हथियार, बाइक और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की टीम, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और लगी हुई थी, जो हमारी पूरी टीम है, चाहे हमारी टेक्निकल टीम है, हमारी फील्ड टीम है, सबने मिलकर के इसमें जो बाहर से अपराध कर्मी आए थे और जो लोकल अपराध कर्मी जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, कुल 5 अपराध कर्मियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जो लोग घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ आए हैं। और इसमें जो जेल में कुछ बंद अपराध कर्मी हैं, उनके साथ मिलकर के इनका सारा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचा गया था। और वहीं गुमला के छात्रों की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब शुरू होने वाली है, और ऐसे में उन्हें किस तरह से तैयारी करना है उसका ट्रिक बताने के लिए जिला के अपर समाहर्ता ने एक स्कूल के सैकड़ों बच्चियों के साथ घंटों बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी को बताया कि वो कैसे अपने टाइम का बेहतर तरीके से उपयोग कर परीक्षा का परिणाम निकाल सकते हैं। इस तरीके से स्कूल की प्रिंसिपल ने भी काफ़ी सराहा है। बहुत अच्छा अवसर है और बहुत अच्छा मोटिवेशनल है क्लास 10 और 12 के लिए, चूँकि परीक्षा निकट है, और ये जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, लगता है बच्चों का मन में बैठ जा रहा है और वो शायद 100% अच्छा हो सकता है जी। ऐसे आए हुए हैं और वो तब हमारा स्कूल 2 साल बाद खुला है, तो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि काफ़ी टफ लग रहा है, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद थी, तो हम रेगुलरली ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाए हैं। तो जो आज हमारे सिस्टर ने हमारे लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ताकि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को काफ़ी बेहतर कर सकें। यह था कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करूं तो अच्छा लगता है, बहुत हमारी बेटियां ही हमारे देश की धरोहर हैं, ये मजबूत बनेगी, ये शिक्षित होंगी, ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और मैं आज अपने अनुभव को शेयर करने आया था उन शब्दों के माध्यम से जिनका ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है, और चूँकि बेटियां हमारी पढ़ती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे उनका ध्यान नहीं जाता है, तो आज हम अपने बेटियों के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, उनके साथ अपना अनुभव को शेयर किया। किसी भी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस साथ मिलकर काम करती है, लेकिन धनबाद वो जिला है जहाँ इन दोनों पुलिस और प्रशासन के दो बड़े अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हैं, एक दूसरे पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं, और इन सब के बीच चौपट कोयले का कारोबार हो रहा है। मामला दो बड़े अधिकारियों के बीच छिड़े जंग का है। एक तरफ बलियापुर की थाना प्रभारी हैं, तो दूसरी ओर इलाके के CEO मोर्चा खोले खड़े हैं। निरसा थाना क्षेत्र के तहत चूड़ी नाला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव की ही 6 साल की मासूम बच्ची की लाश नदी के पुल के नीचे पड़ी मिली। लाश मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के विषय में जानकारी देते हुए लड़की के पिता सुनील लाल सुरेन ने बताया कि हमारी बेटी प्रतिदिन ही स्कूल गई थी, काफ़ी देर होने के पश्चात भी जब बच्ची स्कूल से वापस नहीं लौटी, तब हम लोग बच्ची की खोजबीन करने लगे। जब खोजबीन करते करते हम लोग नदी के पास पहुंचे, तो नदी के पुल के नीचे देखा कि मेरी बेटी की लाश नदी के पुल के नीचे पड़ी थी। मासूम बच्ची के पिता ने बताया कि हमें अपने फुफेरे भाई हेमलाल एड़ू और उसके लड़के के ऊपर ही संदेह है, क्योंकि उन लोगों से हम लोग का ज़मीनी विवाद चल रहा है और काफ़ी बार उन्होंने हमें धमकी भी दी है। संदेह के आधार पर पुलिस ने लड़की के चाचा को हिरासत में ले लिया है और बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी है। उसके बाद छुट्टी के टाइम में पता नहीं कैसे लापता हो गया, सब बच्चा घर गया, उसका जब नहीं पहुँचा तो हम लोग हड़बड़े में खोजने लगे पूरा, और जब पूरा खोजे तो पुल के नीचे में बच्ची तैरता हुआ मिला। इसके बाद हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में लेके आए, यहाँ भी मौत घोषित कर दिया, इसके बाद घर लेके गए, विचार विमर्श हुआ, इसके बाद थाना लेके आए, थाना पर फोन किए, थाना आया तो अभी लेके जा रहे हैं। वहीं झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में एक बार फिर
मौसम में बदलाव दिख रहा है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में दोपहर से ही ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राज्य में 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 27 फरवरी से मौसम साफ रहेगा और उत्तरी और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है और इसके अलावा 3 से 4 दिनों तक तापमान में किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इस जो ट्रफ है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा हुआ है, इसके असर से 24, 25, 26 ये 3 दिन झारखंड में मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख को सेकेंड हाफ से दोपहर के बाद से आपको जो उत्तरी और मध्य भाग में है आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग इवेंट्स देखने को मिलेंगे। 25 तारीख की बात करें तो राज्य के मध्य दक्षिणी तथा उत्तर पूर्वी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ में आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग इवेंट देखने को मिल सकते हैं। और वहीं बिहार विधानसभा का सत्र आगामी 25 फरवरी यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि यह सत्र काफी लंबा सत्र है जो कि 25 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। इसको लेकर तमाम अधिकारी और विधानसभा के अध्यक्ष के साथ साथ विधान परिषद के सभापति पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। बिहार के हाजीपुर जिले में मौजूद जेल में पुलिस ने छापा मारा। बता दें कि सुबह सुबह एसडीपीओ, एसडीएम और जिले के अधिकारियों के काफिले के साथ भारी संख्या में पुलिस बल जेल में पहुंची थी और एक एक करके एसपी, डीएम ने जिले के सिविल सर्जन सहित कई बड़े अधिकारी जेल में दाखिल होते नजर आए। बताया जा रहा है कि जेल की जाँच के साथ जेल में कैदी की मौत मामले के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। वहीं खगड़िया में नगर थाना क्षेत्र के बखरी बस स्टैंड के पास बम के ब्लास्ट होने से एक दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना में गंभीर रूप से संजय सदा और कारेलाल सदा को प्राथमिक उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सतीश कुमार कहीं से कचरा चुनकर आया था। उसने कचरे से भरे बोरे को अपने घर के निकट जैसे ही फेंका वैसे ही ताबड़तोड़ ब्लास्ट शुरू हो गया। मौके पर लोगों की तरफ से एक साथ 4 ब्लास्ट होने की बातें कही जा रही हैं। इस घटना में दर्जन भर लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं और घटना के बाद आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं सूचना पर डीएम आलोक रंजन घोष, एसपी अमितेश कुमार, सदर एसडीओ धर्मेंद्र कुमार पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली। एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि विशेष टीम से घटना की जाँच कराई जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।